तो ये एक सवाल ये कह रहा है कि भाई एक गाड़ी का जो टैंक है वो 20 गैलन पेट्रोल आता है उसमें, जबकि गाड़ी अगर शहर में चलाओ तो 23.5 माइल चलती है 1 गैलन में, और शहर हाईवे पे चलाओ तो 28.9 चलती है माइल 1 गैलन। अब वो कह रहा है कि भाई ऐसा प्रोग्राम बनाओ जो अगर इस गाड़ी का पूरा टैंक भर दिया जाए, पूरा गाड़ी का टैंक भर दिया जाए तो शहर में कितना चलेगी और गाँव में कितना, हाईवे पे कितना चलेगी, ठीक है। तो भाई पूरे टैंक में कितना गैलन आता है, 20 गैलन, 1 गैलन उसने हमें बता दिया है, ठीक है, हमें 20 गैलन का प्रोग्राम बना रहे हैं। तो ये हिंट भी दे रहा था लेकिन हिंट मिट गई है, तो चलो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे आ जाते हैं, एक प्रोग्राम लिख लेते हैं, सेवेज कर लेता हूँ उस प्रोग्राम को मैं, यार सेवेज नहीं कर रहा है, फिर करेगा कंट्रोल एन करके एक नई फाइल बना लेते हैं और बेसिक कोड इसमें लिख देते हैं, आई यू स्ट्रिंग और यूजिंग नेम स्पेस लिख लेते हैं एवरेज गैलन पर माइल, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें जो उसने बातें बताई हैं भाई, यहाँ ले लेते हैं हम डबल टैंक, टैंक में कितना आ रहा है 20 गैलन आ रहा है, और डबल उसको ले लेते हैं पर माइल टाउन कितना एवरेज दे रही है 23, कितना बताया था 23.5 डबल पर माइल हाईवे कितना आ रहा है इसके ऊपर एवरेज 28.9, ठीक है, ये तो इसने बता दिया। अब हमें मालूम क्या करना है कि जब फुल टैंक होगा तो कितना रहेगा, तो फुल टैंक अब टैंक टैंक एफ टी टाउन तो कितना माइल देगा, माइल एम बी लेता है, जीरो कर देते हैं, और डबल फुल टैंक हाईवे माइल, बहुत आसान है, यहाँ लिखेंगे एफ टी टाउन एम असाइनमेंट टैंक वो मल्टीप्लाई कर देंगे टी एम पर किलोमीटर टाउन, ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा एफ टी आई वे एम को क्या कर देंगे टैंक को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे टी एम हाईवे से, ठीक है, आगे अब इसका बताओ आउटपुट बनाने की आउटन सेव कर दें, यहाँ से जैसे क्या लिखेंगे, अब हम यहाँ दे रहे हैं पर गैलन माइल कितना देंगे, पर गैलन माइल हमें वो यहाँ पे कॉलन लगा के लेस देन लगा देते हैं, तो वो हमें दे रहा है टी एम टाउन, ठीक है, और यहाँ पे करते हैं सी आउट लेस देन पर गैलन हाईवे, और यहाँ पे हम लिख देते हैं टी एम हाईवे, ठीक है, फिर सी आउट लेस देन फुल टैंक जो है उसकी वैल्यू क्या है, फुल टैंक की वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दी वो है हमारी जो भी हमारी टैंक की वैल्यू है, ठीक है। अब क्या लेंगे सी आउट फुल टैंक टोटल माइल इन टाउन कितना देगा वो यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है, और सेम इसी को कॉपी करके फुल टैंक माइल्स इन माइल ऑन हाई कितना देगा वो वाली वैल्यू यहाँ पे, तो सब में आप एक न्यू लाइन ऐड करानी है,
पर गैलन माइल था 23.5 और पर गैलन हाईवे था 28.9, फुल टैंक था 20 गैलन का, ठीक है। उसमें इसमें फुल टैंक माइल्स दिए, फुल टैंक को उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर हमारा सही नहीं आया, सेम आया, ओके चेक करते हैं क्या मतलब है। टैंक पर 20 थे, पीएम टाउन में 23 थे, जब ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो आंसर गया एफपी टाउन के अंदर। अच्छा आउटपुट में गलत वेरिएबल ले, एफपी टाउन वाले वेरिएबल यहां लगेगा और दूसरा ये है कि यहाँ पे पर गैलन माइल इन टाउन लिखना है, पर गैलन माइल और हाईवे, क्योंकि फुल टैंक कितना है गैलन 20, ठीक है। अब आपको पर गैलन माइल इन टाउन 93.5 है, पर गैलन माइल ऑन हाईवे 28.9, फुल टैंक गैलन 20, ठीक है, और फुल टैंक टोटल माइल्स इन टाउन 470 माइल हो जाएंगे और फुल टैंक टोटल माइल्स ऑन हाईवे 570 है, सही। इस तरह से ये वाले दोनों क्वेश्चन तो हमने, हाँ देखो अभी पहले तो वो जीरो जो वेरिएबल थे ना वो यही वाले वेरिएबल मैंने यहाँ पे लगा दिए थे, ये वाले तो वो उसकी वैल्यू दिखा रहा था, फिर मैंने दोबारा कैलकुलेशन को देखा भाई इसमें टोटल आ रहे हैं तो इस वाली वैल्यू को मैंने यहाँ पे रख दिया और इस वाले वेरिएबल को यहाँ पे रख दिया, ठीक है। दूसरा जब कोई आप गलती करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ भी लिखा था तो यहाँ पे एरर बता रहे हैं, अभी समझ आनी आनी चाहिए कि भाई यहाँ पे जीरो आएगा तो की बात जीरो लगाएंगे, गलत नहीं करेगा, यही तो खास बात है इसकी, सही गलती होगी तो